हेलो बच्चों, माय टॉपिक इज मैट्रिसेस, क्लास ट्वेल्थ। ओके, क्लास ट्वेल्थ। अब हम इसमें मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैट्रिसेस का मतलब होता है कि रेक्टेंगुलर, इसको आपकी बुक में एरे लिखा हुआ है। एरे मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। और ये इसको जो है एरे ऑफ नंबर, नंबर और फंक्शन, इसको ऐसे बोलते हैं। ओके, नंबर और फंक्शन मतलब होता है नंबर और फंक्शन इज कॉल्ड यहाँ पे एलिमेंट। ओके, कहने का मतलब है कि आपके पास जैसे कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो हम उसकी अरेंजमेंट को रेक्टेंगुलर में लिखते हैं, तो उसको बोला जाता है मैट्रिसेस, ठीक है। अब जो मैट्रिसेस है उसको जो है मैट्रिक्स को इज ऑलवेज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। ये पेपर में तो नहीं पूछे जाते, बट आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो डिस्कस होना ज़रूरी है कि आप इसमें पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी के घर जाते हैं, तो आप जैसे वो आपका कोई रिलेटिव है, तो आपको बोलता है कि आप हमारे घर आना, तो आप उससे पहला क्वेश्चन क्या बोलते हो कि अंकल आपके घर का नंबर क्या है। तो कहने का मतलब उसने एक नंबर डेफिनेट पोजीशन बताई कि आप यहाँ रहते हो तब जाते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल का एड्रेस दिया गया कि आपने यहाँ आना है। तो मतलब हम हर चीज़ को एक डेफिनेट एड्रेस देते हैं, तब जाके हम उसके तक पहुँचते हैं। इसी तरह आपकी बुक में मैट्रिसेस को भी नंबर दिए गए, ठीक है। मैट्रिसेस की जो अरेंजमेंट है, हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इसका साइन ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। और इसके जो है हर एक ईच एलिमेंट को नंबर दिया गया, ठीक है। ये आपकी अरेंजमेंट होती है 2 1 2 2 जो है 2 3 A 3 1 A 3 2 A जो है 3 3, ठीक है। तो अगर ये आगे तक जा रहे हैं नंबर, ठीक है, तो इसको जो है A1N से लिखा जाता है, A2N A3N। तो कहने का मतलब है ये आगे भी जाएगा ये अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम इसको जो लास्ट अगर लिखना है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ M1 A M2 A M3 और ये जो लास्ट हो जाएगा AMN, ठीक है। इतना आपको क्लियर, मतलब ये जो है इसको एड्रेस किया जाता है। जैसे अब देखो, इतना करने के बाद अब इसमें जो है एक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसका जो है बेसिक बताती हूँ। मान लो मेरे पास ये मैट्रिसेस है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो ये कोई मैट्रिसेस है हमारे पास। तो इसका जो एड्रेस है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर आपको अभी रिवाइज करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले तो ये देखो, इसमें रो कितनी है, 1 2 3 R1 R2 R3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट रोस, ठीक है, इसको रोज से बोला जाता है और आपकी NCERT ने इसको नाम दिया है M। और एक होती है वर्टिकल लाइन, ऐसे लिखी जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखो द वर्टिकल लाइन्स, लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने लिखे थे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो दिस इज कॉल्ड रो, और ये वर्टिकल लाइन बन रही है, दिस इज कॉल्ड कॉलम C1 C2 C3, ठीक है। अगर अब आपको पूछा जाता है इसमें कि इसमें जो है नंबर ऑफ रोज बताओ, तो अब देखो कितनी है, 1 2 और 3, ये एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ओके।
रोज़ कितनी होगी आपके पास, थर्ड, तीन, ठीक है। कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री, तो ये कॉलम आपके पास थ्री होगी। अगर आपको पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब देखो हम इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ रोज़, ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो ये कॉलम्स को आपकी बुक में नाम दिया हुआ है एन, ओके। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ किसके साथ डिनोट किया था, एम के साथ, ये एम इंटू एन हो गया, ओके। आपको होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास ये मैट्रिसेस है, मैं इसी में आपको क्वेश्चन कराऊंगी, 2 3 1 4 3 2, ओके। अब एक क्वेश्चन क्या है, आपको पूछते हैं कि डिटरमिन रो, ठीक है। अब बताओ रोज कितने, तो एक और दो, मैंने बोला था हॉरिजेंटल लाइन वाले, तो रोज कितनी होगी, मतलब एम कितना हो गया आपके पास, टू, ओके। अब आपको पूछा जाए कॉलम कितने हैं इसमें, ध्यान से देखो, 1 2 3, दिस इज वर्टिकल लाइन, ये C1 C2 C3, तो मतलब कॉलम कितने हैं, तीन, ओके। आपको इतना क्लियर हो गया। अब अगर आपको पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है एम और एन, पढ़ा है ना, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू एन, एम हमारा कितना है, टू, तो मैंने कॉलम लिख दिया, तो ये आपके पास ऑर्डर जो है सिक्स आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि इसमें एलिमेंट बताओ, ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का, तो ये जो है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसी से पता चल जाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, सिक्स। अगर मान लो आपको जो है, मैंने बोला था कि हमारी बुक में हमें मैट्रिसेस को हमने नाम दिया है, तो हमें अगर एलिमेंट लिखने हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये दिया है, ठीक है, ये वन रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये वन कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, पर आपकी बुक में ये ब्लॉक नहीं बनाते, हम इसको सिंपल वे लिखते हैं। तो इसका जो है, क्योंकि आपकी जो मैट्रिक्स है हम उसको लिखते हैं ए आई जे और एम एन, दिस इज ए शॉर्ट नोटेशन, ठीक है। एम मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, रोज हमेशा पहले लिखे जाते हैं, कॉलम बाद में लिखे जाते हैं, और इसका जो मतलब है ये रोज होती है रो, और ये का मतलब होता है कॉलम, ओके। ये जो है रो है और ये जो है कॉलम है, ठीक है। तो हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया, कोई भी मैट्रिसेस जो है ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे वन वन आएगा, यहाँ पे वन टू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वन थ्री, टू वन के साथ करोगे तो टू वन, टू टू, और यहाँ पे टू थ्री, ठीक है, ये आया, इसी तरह थ्री वन, थ्री टू और थ्री थ्री। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपको ये मैट्रिसेस दिए, ये देखो, अभी आपको मैं क्वेश्चन कराती हूँ, आपको और क्लियर होगा। पहले ये देखो, 2 3 और 4 5 6 7, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो ये आपके पास मैट्रिसेस है, तो आप क्या करोगे, इसको इसके साथ कंपेयर करो, A11 A12 A13, क्योंकि फॉर्मूला पीछे बनाया ना ब्लॉक में हमने, इस तरह भी आप याद रख सकते हो, इस तरह, मतलब ये वन वन का मतलब है कि पहले कॉलम में A1 आएगा, दूसरे में A12 आएगा, तीसरे में A13, यहाँ पे लिखा, इसके लिख लो 2 2, ए सॉरी यहाँ पे 1, 2 2 और 2 3, ओके। अब देखो, अगर आपको पूछा जाता है एलिमेंट लिखो, एलिमेंट ऑफ A11, दैट मीन दिस एलिमेंट, ओके। अगर पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ A22, अब देखो A22 मतलब ये, अगर ये वाला लिखोगे ना साथ जनरल फॉर्मूला, तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है सही होगा, ठीक है। कंपेयर कर लो उसको आपस में,
अगर लिखा जाता एलिमेंट ऑफ A2 3, तो अब ये है, दैट मीन्स 7। ओके, होप सो आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको पूछा जाता है मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है, ये कितना है, रो कितने, ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है, तो यहाँ पे रो पहले लिखे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी इनटू यहाँ पे 1 2 3, 3 कॉलम लास्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में जो आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे 2 2 मैट्रिक्स, एक पढ़ोगे 3 3 मैट्रिक्स, ठीक है, और कभी 2 3 मैट्रिक्स भी पढ़ोगे, ओके, और कभी जो है 3 4 भी, बस इसके ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है। और भी होती है लेकिन इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत थी। अब जैसे आपको दिया है कि 2 2 मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट बताओ, चलो बताओ क्या होगा इसका, 2 2 4 4 एलिमेंट, इसके कितने होंगे एलिमेंट, इसके एलिमेंट 9, इसके कितने हैं 12, 3 into 4 12, ओके। अब 2 3 6 एलिमेंट कितने हैं, 6, ओके, होप सो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन पे जाएं हम, चलो हम क्वेश्चन करते हैं आपके एनसीईआरटी का ही फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी ये समझो कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, अभी आपको सिंपल लेवल से हायर में लेके जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन ए मैट्रिक्स ए, ये 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 7। अब पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे पहले देखो रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 into 4, ओके। अब पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, mn, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 into 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 12, अगर गिनना चाहते हो तो गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बोला है राइट द एलिमेंट ऑफ A13, मैंने क्या बोला था, इसको जब भी करो तो आपको पहले मैट्रिक्स लिख लो, यहाँ पे लिखो 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17, ओके, इसको जो है कंपेयर कर लो, A11 A12 A13 A14, इससे आपको क्वेश्चन, जिन बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी वो आराम से कर लेंगे, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, और यहाँ पे A31 A32 A33 A34, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे पहली पोजीशन पे 1 लिखा, 1 क्यों लिखा, क्योंकि दिस इज ए फर्स्ट रो, दिस इज ए सेकंड रो, दिस इज ए थर्ड रो, मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला डिस्कस किया है। अब देखो आपके लिए आसान हो गया, अब पूछा क्या है A13 बताओ, ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज ए 13, थर्ड पोजीशन है, तो मतलब A13 इक्वल टू 19, ओके। आपको आपको पूछा है A21 2 1, तो ये जो है A21 इक्वल टू 30, ओके। अब देखो अगला A33 ये है, इसका मतलब A33 इक्वल टू -5, और उसके बाद जो है A33 के बाद A24 पूछा है, 24 देखो कहाँ है, ये इसका मतलब 12, ओके, होप सो आपको क्लियर होगा। अब देखो A23 पूछा है, ये हो गया 23 मतलब 5/2, ओके, दिस इज 5/2, होप सो आपको इतना क्लियर। अब देखो आपको पूछा है नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, ठीक है, आप कर चुके हो, अब आसान हो गया, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम इज 4, ओके, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, होप सो आपको इतना क्लियर होगा। मूव करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी एनसीईआरटी में सेकेंड इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये होप सो आपकी एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है। इफ़ ए मैट्रिक्स एज ए 18 एलिमेंट, एक मैट्रिसेस है
उसमें 18 एलिमेंट गिवन है, बट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और वट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखो ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, देन पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर मतलब इसको स्प्लिट कर दो, ओके ऑर्डर लिखना है। जैसे अब कितना है, 18 है, मैं इसको 1 into 18 लिख सकती हूँ, मतलब 1 रो और 18 जो है कॉलम हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा लिखो 18 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा इसका हो गया। अब देखो 2 के टेबल पे आता है 2 9 8, जहाँ इसको 9 into 2 लिख सकते हैं, ओके। अब देखो 3 के टेबल पे भी 16 आता है, 3 into 6, और जहाँ 6 into 3, ओके। अब और देखो 18 किस पे आता है, और तो किसी पे नहीं आता, ये इसके ऑर्डर पेयर हो गए, ठीक है। होप सो आपको इतना क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होता कि 8 एलिमेंट, ओके 8 एलिमेंट निकाल है मैट्रिक्स में, तो कैसे करते हैं, 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, या 4 into 2। कहने का मतलब ये फर्स्ट पोजीशन रो की है, सेकंड पोजीशन कॉलम की है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, मतलब 8 रो हो सकती हैं, 1 कॉलम हो सकता है, और जो है यहाँ पे 2 रोज हो सकती हैं, 4 कॉलम हो सकते हैं, ओके। इसी तरह 4 रो हो सकती हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, क्लियर। अब इसके बाद एक लास्ट इसका पार्ट है, बट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट का अगर 5 एलिमेंट है, एलिमेंट इट हैज़ ऑर्डर पेयर, जब इवन है, ये जो है ऑड है 5, तो ये देखो 1 into 5 का पेयर बनेगा, या 5 into 1 का, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं आते। ध्यान रखना जब भी ऑड होगा तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 की होती है, और जब इवन में आता है तो मल्टीपल जो है उसके फैक्टर आते हैं, ओके। आप इस तरह जो है उसको कर सकते हो। अब देखो ये जो है आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंस्ट्रक्ट ए 2-2 मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे आई प्लस जे अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये देखो इसका क्या मतलब है, 2 into 2, दैट मीन यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लो, क्योंकि आपको मैट्रिक्स दिया है, तो 2-2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो हैं, रोज कितनी है 2, और 2 ही कॉलम है, ओके। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे इसके एलिमेंट का नाम लिखो, A11, ठीक है, A12, ठीक है, 2 होगी, 2 कॉलम है, 2 कॉलम बन गए, इसी तरह A21 और A22, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद आपको पता चल गया कि आपको 2-2 मैट्रिसेस बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है 1 1 आई होता है, और ये 1 जो है जे होता है, ये जो 1 1 की पोजीशन लिखी है, ये जो है दोबारा देखो ये लिखा है ना 1 1, तो ये जो है आई होता है, और ये वाला जो है जे होता है। अब इसमें जो है इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, पहले हम एलिमेंट किसका निकालना है, 1 1 का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 1, यहाँ पे आई और जे में वैल्यू पुट करो, 1 + 1 / 2, तो ये ऊपर का होल स्क्वायर, तो ये बना 2 का होल स्क्वायर / 2, ओके, तो ये बन गया 4/2, आंसर इज 2। इसी तरह A12, तो यहाँ पे 1 + 2/2, इसका होल स्क्वायर करो, तो ये कितना है 3 जो है 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9/2, दिस इज़ द आंसर। अगर A21 पूछा है तो 2 + 1/2, इसका ऊपर का होल स्क्वायर, तो ये भी 3 का होल स्क्वायर / 2, आंसर इज 9/2। अगर दिया है A22, ओके, तो इसी तरह 2 + 2/2, इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 4 का होल स्क्वायर / 2, दिस इज 16/2, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आंसर इज 8, ओके। अब देखो इसी को अब इस फॉर्म में लिखो, आपको मैट्रिसेस बनानी थी ना, A=, अब A1 का एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे लिखो, आंसर था 2, दूसरे का 1-2 का आंसर था 9/2, और अगले वाले का भी था 9/2, और ए लास्ट वाले का था 8।
दिस इज द आंसर. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप ट्राई करो कि आपसे ये क्वेश्चन हो. मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिसेस हूज एलिमेंट्स आर गिवन दिस ए आई जे इक्वल टू 2ij. तो मतलब आपको क्या मैट्रिसेस बनानी है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसके बाद आप आंसर निकाल लो. a11 a12 थ्री मैट्रिसेस मतलब थ्री रोज. ओके, और 4 का मतलब कॉलम. ठीक है, 4 कॉलम है, a13 a14. ओके, ये कॉलम हो गए. अब इसी तरह नीचे लिख दो a22 a23 a24 a31 a32 a33 और a34. ओके, अब इसको इक्वेट कर देना, आप हर एक एलिमेंट निकाल लो और मैट्रिसेस फॉर्म कर लो. इसके बाद अगर आपने और प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके एनसीईआरटी में थोड़े लिमिटेड क्वेश्चन है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप ऐसे करो, ये वाला अगर समझ आ गया इसी बेस को उठाओ और आपकी आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं अनसॉल्व एक्सरसाइज में, आप उससे क्वेश्चन करके देखो. अगर कोई डाउट्स आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूँगी. ठीक है, थैंक यू.